रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र की उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाली हैं जिनका की भाग्य सातवें आसमान को छूने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का मुख्य कारण ग्रहों की चाल होता है, और दोस्तों इसी चाल के कारण हम लोग अपने जीवन में सुख दुख और हानि लाभ का सामना करते हैं। और दोस्तों, ज्योतिष की ज्ञाताओं की माने तो ग्रहों के चाल के कारण ऐसे संयोग बन रहे हैं। अब कुछ राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। इन राशि वालों का भाग्य अब सातवें आसमान पर रहेगा। इन राशि वालों को अपने जीवन में अब बहुत बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। इनकी कुंडली में भगवान शनि देव और माता लक्ष्मी जी अब राजयोग स्थापित कर रही हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि भगवान शनि देव की कृपा से आने वाला समय आपके लिए कई सारी सौगात लेकर आने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की के अवसर अब हासिल हो सकते हैं। इन राशि वाले लोगों को भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी की कृपा से उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। इन राशि वालों के व्यक्तियों का भाग्य में अब धन लाभ प्राप्ति के योग बन रही है। संपत्ति के बड़े कार्यों में अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। परिवार या समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। भवन के निर्माण में आ रही प्रशासनिक बाधाएं आपकी दूर होंगी। आपके द्वारा सोचे गए सभी कार्य इस महीने के अंत तक पूरे हो सकते हैं। आपके मन का बोझ अब हल्का होगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार अब मिल सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको नई खुशखबरी मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दोस्तों, बता दें कि कार्य क्षेत्र में आपको इस दौरान किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी लॉटरी भी लग सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं। संतान की ओर से कोई उपहार आपको जल्द ही प्राप्त हो सकता है। किस्मत चमकने के कारण आपकी सभी रुके हुए कार्य पुनः शुरू होने वाली हैं। समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। ऑफिस के क्षेत्र में आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। व्यापार में चली आ रही परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। आय के नए स्रोत आपको प्राप्त होने वाली हैं। भगवान शनिदेव की दया दृष्टि से आपके आय के नए नए स्रोत स्थापित होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इस दौरान सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहां पर बात कर रही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शनिदेव ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहली राशि है तुला राशि। बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपको व्यापार के क्षेत्र में अचानक धन लाभ होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। यात्रा करना आपके लिए इस दौरान लाभदायक रहेगा। विदेश में नौकरी भी आपकी लग सकती है। आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों का अब अंत होगा। ये राशि वाले जातकों के घर में जमकर खुशियों की बरसात अब होगी। परिवार में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। भौतिक और घरेलू सुखों की आपको प्राप्ति होगी। अचानक बड़ी मात्रा में लाभ प्राप्त आपको हो सकता है। सामाजिक लोगों से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको हो सकती है।
जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है मेष राशि। बता दें कि इस दौरान आप कोई नया कार्य आरंभ कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता हासिल होगी। आपको अपने जीवन में धन लाभ के कई नए अवसर अब प्राप्त होने वाले हैं। कुछ नए लोगों से दोस्ती भी आपकी हो सकती है। कठिन परिस्थितियों से छुटकारा आपको इस दौरान प्राप्त होगा। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। सुखों में वृद्धि होने की संभावना आपके लिए बन रही है। कुल मिलाकर नए साल में आपकी किस्मत अब आपका अच्छा साथ देगी। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। बता दें कि इस दौरान कर्म करने से आपको अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगी। पारिवारिक उन्नति इस समय में देखने को मिलेगी। बता दें कि इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में भी आप ऊंचाइयों को छू लेंगे। आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य आपके आसानी से अब पूरे होने वाली हैं। आपको अपने जीवन में नई खुशखबरी मिलने के योग बन रही है। दोस्तों, अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। बता दें कि इस दौरान सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। नौकरी के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं। बता दें कि जो लोग व्यवसाय या बिजनेस करती हैं उन्हें इस दौरान अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके साथी आपकी मदद करने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आप घर पर धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। शेयर बाजार में इन राशि वालों को अब अपार फायदा होने वाला है। दोस्तों, बता दें कि अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। बताना चाहेंगे कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इन जातकों की योजना फलीभूत होंगी, वहीं इन्हें लाभ भी मिलेगा। इस राशि के लोगों को इस दौरान सामाजिक क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो सकता है। इन लोगों को इस दौरान अचानक धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि आप इस दौरान कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। दोस्तों, अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। बताना चाहेंगे कि इस राशि के जो लोग बेरोज़गार हैं तो बेरोज़गार युवाओं को इस दौरान खुशखबरी मिल सकती है। यह समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार की योजना बनेगी। कारोबार में धन लाभ के योग बन रहे हैं। बुजुर्गों की सलाह और परिश्रम से सभी कार्य आपके सफल रहेंगे। कारोबार को लेकर यात्रा करनी आपको पड़ सकती है। इस राशि के लोगों के भाग्य पूरी तरह से अब इनके साथ रहेंगे। नया काम शुरू करने के लिए यह समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, अंतिम राशि है मकर राशि। बता दें कि इस राशि के लिए भी ये नया साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। संपत्ति के बड़े सौदे से बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। रोजगार में आपके इजाफा होगा। आपको अपने अधिकारियों और साथ काम करने वाले लोगों से तारीफ भी मिलेगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।